السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق بالقاف وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون صلى الله عليه مسلسل آپ کو زحمت دی جا رہی ہے اور یہ اس لیے کہ آپ کے واسطے سے آپ کے ذریعے سے ہم اپنے افکار آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں. اگر کبھی کسی موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس عہد میں اس دور میں آپ کے حسن قبول و سماعت نے بے انتہا ترقی کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی صلاحیت و استعداد کو دیکھ کر بولنے والے کا یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ گفتگو آپ کے سطح ذہن کے برابر کی جائے, اس سطح کو پیش نظر رکھا جائے. اس لیے مسلسل مباحث کو پیش کرنا اور مختلف عناوین پر گفتگو کرنا میرے لیے تو کم از کم دشوار ہو جاتا ہے. اور پھر جن مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے, اس گفتگو کے سلسلے میں آج اور نہ کبھی یہ دعویٰ کیا گیا اور نہ آنے والے زمانے میں کبھی یہ دعویٰ کیا جائے گا کہ ایک عالم کی حیثیت سے تبصرہ ہو رہا ہے. نہیں, بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس امر کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے اشعائے فکر کی رہبری میں, آپ کے ریڈیشن آف تھاٹ کی رہبری میں میں بھی اپنی منزل معین کر سکوں. یہ کوشش ہے.
ये आज इकमाल दीन व इतमाम नेमत पर तीसरी तकरीर आपकी समाअत के लिए हदिया है और सिलसिले कलाम को बाकी रखने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि एक मर्तबा फिर आपकी याददाश्त को, आपके हाफिजे को ताजा किया जाए। यानी हिकमत दी बेनियाजी हाय फख्र, यह दीन की हिकमत है कि फख्र हिकमत दी दिल नवाजी हाय फख्र, यह दीन की हिकमत है कि फख्र में दिल नवाजी आ जाए। फख्र की तारीफ गुजर चुकी, हिकमत दी दिल नवाजी हाय फख्र, कुव्वत दी बेनियाजी हाय फख्र। दीन की कुव्वत यह है कि फख्र बेनियाज हो जाए, फख्र बेनियाज हो जाए। दीन की हिकमत फख्र की दिल नवाजी, दीन की कुव्वत फख्र की बेनियाजी, और फख्र फख्र का मौजूद और इल्म का मौजूद और अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा। यह हम मुसलसल हो गए कल की गुफ्तगू से, लेकिन कल तकरीर के दौरान एक मंजिल पर हम रुके थे। अगर आपका हाफिजा साथ दे, मैं चाहता था कि आज आगाज ही में यह बतलाऊं कि हम मुसलसल कैसे हैं, मरबूत कैसे हैं अपनी फिक्र से। हम उस मकाम पर रुके थे कि जिद्द ईमान कुफर है, जिद्द मुस्लिम मुजरिम है, जिद्द तकवा फजूर है, जिद्द इस्लाम जिद्द दीन जाहिलियत है। यह गुफ्तगू थी, जिद्द दीन जाहिलियत, और जाहिलियत के माना ये है कि अहकाम हक की मौजूदगी के बावजूद कोई इंसान अपनी मर्जी, अपनी राय, अपने मंशा को दीन में दखल दे, अपने मंशा को दीन में दाखिल करे और यह साबित करने की कोशिश करे कि मंशा यह नहीं मंशा यह है, मकसद ये नहीं मकसद वो है जो मैं समझ रहा हूं। यहां से जाहिलियत शुरू होती है, यहां से जाहिलियत शुरू होती है। जरा सा मैं मुसलसल करना चाहता हूं। देखिए, एक है जहल, एक है जाहिलियत। जहल की जिद अक्ल है, जाहिलियत की जिद दीन है। जहल से जाहिलियत का आगाज होता है, जहल से जाहिलियत का आगाज होता है। यानी जहां अकल नहीं दीन नहीं। जरा सी फिक्र बुलंद होती जाए। जहल से जाहिलियत का आगाज होता है, जहल की जिद अकल है, जाहिलियत की जिद दीन है। अगर जहल है, जहल है तो जाहिलियत है, और अगर अकल नहीं तो दीन नहीं। इसलिए उसूल काफी में नकल किया मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने इमाम मोहम्मद बाकर के, इमाम ने फरमाया मन ला अकल लहू ला दीन लहू, जिसके पास अकल नहीं है दीन नहीं, जिसके पास अकल नहीं है दीन नहीं है। अकल की जिद जहल, दीन की जिद जाहिलियत। तो उसके माना यह हुए कि जहां जहल है गोया आगाज जाहिलियत है। जहल की दो किस्में हैं, या बसीत है या मुरक्कब है। बसीत के माना यह है कि अलिफ बे नहीं मालूम,
मुरक्कब के माना ये कुछ नहीं मालूम, मगर दावा ये के सब मालूम। जहले बसीत ये के अबजद से बेखबरी, जहले मुरक्कब ये के बेखबरी पर इसरार के खबर है। तो जब ये जहले मुरक्कब बढ़ते बढ़ते इस मंजिल पर पहुंच जाए कि नादानियों के बावजूद दानाई का दावा करते हुए कोई दीन में दाखिल होने की कोशिश करे, तो ये जहल बढ़कर जाहिलियत की सूरत अख्तियार करता है। और यही वो जाहिलियत है कि जिसका अंजाम ये है कि आदमी किसी मकाम पर अपनी नादानी और जहालत के बावजूद अपने लिए एक मसनद बिछाए और वहां से आवाज देता रहे, ये शिर्क है, ये बिदात है, ये कुफर है, ये गलत है, ये दीन से बाहर हो रहा है, ये ला इलाह गलत है, ये ला इलाह कुफर है, ये ला इलाह शिर्क है, ये जाहिलियत है। अब आप समझ रहे हैं कि मैं रुकात गुफ्तगु पर जाहिलियत की और उसके साथ ही मैंने ला इलाह पर गुफ्तगु शुरू की, तो अब आप उस सिलसिले को समझ गए ना कि सही माना में मैं जाहिलियत को बतलाना चाहता था। जाहिलियत को बतलाना चाहता था कि तारीख ये समझती है कि अरब में इस्लाम से पहले जाहिलियत थी, तारीख ये लिखती है कि अरब में इस्लाम से पहले जाहिलियत थी, मगर कुरान ये कहता है कि जाहिलियत हर दौर में है। नबी आ चुके, 12 बरस मक्के के गुजर गए, मदनी जिंदगी शुरू हुई, यहां भी 3 बरस गुजर गए, 15 बरस गुजर गए, मुसलमान जूक जूक कदमों में हाजिर हैं। ऐसे में उहद की लड़ाई का ऐलान हुआ और पैगंबर ने कहा कि देखो देखो उस रास्ते को न छोड़ना, उस घाटी से न हटना, उस वादी से दूर न होना। बस इतनी सी बात थी, दुनिया को मालूम है दुश्मन आया और भागा और ये समझे कि वाकई दुश्मन भाग रहा है, मालूम मता की हवस में पिल पड़े। दुश्मन ने लौट कर पलट कर जो हमला किया तो सधा आदमी कत्ल कर दिए गए। वापिस आके कहा ये मुबहम बातें आप कब तक करते रहेंगे, ये आपने क्यों नहीं कहा कि अगर वादी को छोड़ देंगे तो दुश्मन मक्कार है, मकर करके वापिस आएगा और हमको रौंद डालेगा। हल्लना मिनल अमरे मिन शय, क्या आपके अमरे दीन में हमारा कोई दखल नहीं है, आखिर हमसे कब तक आप राजदारी करेंगे। ताइफतुन अहम्मत हम्मत बेही अनबेहिम अनफुसहुम, एक ऐसा ग्रोह था जिनके नफ्सों ने उनको धोखे में डाल दिया। यज़ुन्नूना बिल्लाही ज़न्नल जाहिलिया, जो अल्लाह पर जाहिलियत का गुमान किए जा रहे थे, जो जाहिलियत की राहों से गुजर रहे थे और कह रहे थे हल्लना मिनल अम्र मिन शय, क्या आपके अम्र में हमारा दखल नहीं है। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, कह दो अम्र अल्लाह ही के लिए है। अब तारीफ खुली जाहिलियत की, जाहिलियत वहां है जब कोई कहे क्या दीन में हमारा दखल नहीं। कुरान है हल्लना मिनल अम्र मिन शय, ये जाहिलियत। और ईमान दीन इस्लाम इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, अम्र अल्लाह ही के लिए, अम्र अल्लाह ही के लिए। हमको जरूरत नहीं है कि ये आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसी तफसील क्यों नहीं बतलाई, आपने इसको मुबहम क्यों रखा, ये हमारा क्या काम है, हम कैसे पूछेंगे। किस सतह से नबी बातें कर रहा है उस सतह को समझने की कोशिश करो, वो वही रब्बानी की सतह है कि जहां अक्ल नबी ताबे वही होके गुफ्तगु कर रही है। ऐसी मंजिल पर लोगों ने एतराज किया, आवाज आई कि यह जाहिलियत है, तो पता चला कि इस्लाम के आ जाने के बाद भी जाहिलियत है। मेरी बातों को आप समझे, यानी नबी की मौजूदगी में भी जाहिलियत थी, नबी की मौजूदगी में भी जाहिलियत थी। अमीरुल मोमिनीन कूफे में खुतबा दे रहे हैं,
ارشاد فرمایا لا تکونو کل جفات الجاہلیہ, سنو جاہلیت کے جفاکاروں کی طرح حرکتیں مت کرو. لا تکونو کل جفات الجاہلیہ, خبردار جاہلیت کے جفاکاروں کی طرح زندگی بسر نہ کرو. کون ہے جاہلیت کے جفاکار؟ ارشاد فرمایا فی الدین لا یتفقہون وعن اللہ لا یعقلون, دین کی باتیں ہوتی ہیں تو فہم نہیں ہے, اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو عقل نہیں ہے. یہ میرے مولا و آقا کا ارشاد ہے. یہاں پھر جاہلیت کی تعریف کر دی, یہاں پھر جاہلیت کی تعریف کر دی. جاہلیت وہ ہے وفی الدین لا یتفقہون وعن اللہ لا یعقلون, دین میں فقہ نہیں ہے. فقہ یعنی فہم, دین میں فہم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. اور جب اللہ کے متعلق اس کے صفات, اس کی مخلوقات, اس کی آیات کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو عقل سے کام نہیں لیتے. ارشاد فرمایا لو فلحذر فلحذر لطاعت ساداتکم وکبراؤکم الذی اسسوا قواعد العصبی. ہاں حذر کرو, حذر کرو, اپنے بزرگوں, اپنے قبیلے کے سرداروں کی اطاعت نہ کرو. یہ وہ ہیں کہ قواعد و اساس العصبیہ, کہ انہوں نے عصبیت کے ستون درست کیے ہیں. وہ سیوف و اعتزائی الجاہلیہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جاہلیت کی عصبیت کی تلواریں بنے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جاہلیت کی تلواروں کو آج کھینچ لیں. اب یہ 40 ہجری. تو پتا چلا کہ حیات نبی میں بھی جاہلیت کا امکان ہے, حیات امام میں بھی جاہلیت کا امکان ہے, اگر دشمن نہ سمجھ سکے دین کو اور اگر بے عقلی انسان کو دین سے محروم رکھے تو ہو سکتی ہے جاہلیت. تو اس نور کے مقابل میں جہاں یہ سارے توقعات ہیں کہ جاہلیت ہے اور روکا گیا, تو یہ کیسے نہ سمجھا جائے کہ یہ دور جاہلیت سے خالی ہے؟ کیسے نہ سمجھا جائے کہ اس دور میں جاہلیت نہیں ہے. بہرحال جاہلیت کے معنی اب اگر سمجھ میں آ گئے کہ بدون فہم, بدون ادراک, بدون تعقل, بدون حق, جس کا حق نہ پہنچے, بے اختیار کہہ دینا, بے اختیار کہہ دینا کہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ بدعت ہے, صرف اس لیے کہ صحیح معنی میں, صحیح معنی میں ان کو معرفت ہی حاصل نہیں ہے. ام لم یعرفوا رسولہم, کہ انہوں نے رسول کی معرفت حاصل نہیں کی. فہم لہو منکرون, کہ یہ انکار کرتے رہیں گے رسول کا. معرفت رسول کی نہیں ہے, جہاں معرفت رسول کی نہیں ہے وہ پیغام رسول کی معرفت کا کیا امکان ہے؟ اور پیغام رسول توحید ہے, پیغام رسول توحید ہے. اور جہاں رسول کی معرفت نہیں ہے اور رسول اگر یہ کہتے ہوئے مسلسل اپنے پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ من ماتا وہ لم یعرف امام زمان ہی ماتا میتت الجاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, جاہلیت کی موت ہے. جاہلیت کی موت کے معنی آپ سمجھ گئے, زندگی جاہلیت ہی میں گزری, موت جاہلیت میں آئی. اس لیے کہ عارف نہیں, عارف نہیں. من مات ولم یعرف, جو نہ پہچانے. گفتگو ذرا سی توجہ کی طالب ہے. دیکھیے بہت صاف سی گفتگو تھی, جو اطاعت نہ کرے امام کی, جو اطاعت
ताकत न करे इमाम की, वो जाहिलियत की मौत मरेगा। नहीं, ये दो चीजें साथ नहीं जाएंगी। इताअत नहीं करेगा कुफर है। नहीं बतलाया ये कि इताअत कैसे करोगे जब तक मारेफत नहीं। इताअत नहीं है जब तक मारेफत न हो। मैं जिस मंजिल पर पहुंचाना चाहता था वो ये है। और मारेफत, मारेफत का तस्करा इसलिए किया कि अगर जाहिर बजाहिर कहीं ओहदा है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, कुर्सी है, सल्तनत है, तख्त है, तो जबरन इताअत है। इताअत जबरन है। नबी जान रहा था कि जिस जिस को इमाम होना है बजाहिर उनको ओहदे नहीं मिलेंगे, इसलिए गुफ्तगू इताअत की नहीं की। पहचानो के कहा है। ये गुफ्तगु है मारेफत की। पहचानो, पहचानो कहां छिपा हुआ है, पहचानो। इसलिए कि कुर्सी पर हो तो मारूफ है, इताअत है, जबरन इताअत है। मगर जान रहा था नबी एक तवील अरसे तक बजाहिर इख्तदार नहीं रहेगा, इसलिए पहचानना है, पहचानना। और उस पहचानने पर दारो मदार रखा। मैं एक लफ्ज आपसे चाहता हूं, पहचानने पर दारो मदार रखा दीन का। देखिए अब जिद पा गए। पहचानने पर दारो मदार रखा दीन का कि न पहचाना तो जाहिलियत, और पहचान लिया तो दीन। अब इस मंजिल पर जरा सा आपकी फिक्र को एक जादे से हटाते हुए फिकहुल लुगा, जो साइंस है, लुगत की जो साइंस है, उसमें लफ्ज दीन पर तफसीली बहस आई। लफ्ज दीन बड़ा कदीम लफ्ज है, बड़े कदीम तमद्दुनों में पाया जाता है। आरामी जबान में जो आद और समूद की जबान थी, दीन के माने हुक्म, दीन के माने है फैसला, हुक्म कजा दीन है। जरतुश्तियों की जबान में दीन के माना है जादे हक, हक का रास्ता। ये जरतुश्तियों की जबान है। अजदाद अरब की जबान में इस्लाम से पहले दीन के माना रस्म, आदत। अब देखिए लफ्ज दीन की हद तक मुख्तलिफ शोबे आपके सामने आ रहे हैं। अजदाद अरब जब कभी लफ्ज दीन इस्तेमाल करते थे तो उसके माना ये कि वो उनका, उनकी रस्म यही है, उनकी आदत ये है, ये उनका शार। जरतुश्तियों के पास दीन ज्यादा हक है। अरमी जबान में दीन हुक्म है, कजा है। और यूनान के फलसफे में दीन खुदा की तरफ चलना, खुदा की तरफ चलना, यूनानी फलसफे में लफ्ज दीन। और अब हम जिस मंजिल पर गुफ्तगू कर रहे हैं वहां कुदरत यह चाहती है कि माकूल को महसूस कर दे, माकूल को महसूस कर दे, और दीन को इस तरह से आपसे नजदीक कर दे कि दुनिया के 42 करोड़ मुसलमान या 44 करोड़ मुसलमान दीन के मुताल्लिक गाफिल न रहे। इसलिए एक तारीफ की,
का दीन में परेशान होने की जरूरत नहीं, न फलसफे के एतबार से, न अरमी जबान के एतबार से, न ज़रतुश्तियों के एतबार से, न अजदाद अरब के मुहावरे के एतबार से। कुरान की तारीफ यह है, दीन इन दीन इन दल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम, इस्लाम तस्लीम, अल इस्लाम हुआ तस्लीम, अल तस्लीम हुआ तस्दीक, अल तस्दीक हुआ इकरार, अल इकरार हुआ अदा, अल अदा हुआ अल अमल। इस्लाम तस्लीम है, तस्लीम तस्दीक है, तस्दीक इकरार है, इकरार अदा है, अदा अमल है, और ये दीन है। इतना महसूस करवा दिया दीन, मगर अब भी अगर कोई दीन के माना यही ले कि हम रस्म को दीन कहते हैं, हम आदत को दीन कहते हैं, और यह अजदाद अरब की जबान थी और हमने तो तमद्दुन ही अरब से लिया है, तो इस रस्म आदत पर दीन को परखने वाले और शारे अबो जद को दीन बनाने वाले अब जद को दीन बनाने वाले जब जाहिलियत की मंजिलों पर आते हैं तो कुरान पढ़ के हमको सुनाते हैं, कुरान पढ़ के हमको सुनाते हैं कि कहा जा रहे हैं सूरह रूम पढ़िए, 30वां सूरह 32वीं आयत पढ़िए। हाँ आयत है, इन लदीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया, जिन्होंने दीन में तफरीक की वो शिया थे। यह तर्जमा किया, यह तर्जमा किया, मैं अहम तरीन मसाइल से गुफ्तगू कर रहा हूं और चाहता हूं कि बुजुर्ग तो खैर उलमा मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं नौजवानों को खिताब कर रहा हूं ताकि उनके शकूक दिल के खत्म हो। इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, दीन पर गुफ्तगू हो रही है ना, जिन्होंने दीन में इफ्तराक पैदा किया, कानू शिया, शिया थे, कुल्लो हिज़्बिन मिम्मा लदैहिम फरहून, और हर ग्रोह अपने अपने पास जो कुछ लिए हुए है उसी पे नाजा है। ये आयत है कुरान, ये आयत है कुरान की कि हर ग्रोह के पास जो कुछ है वो उसी पे मसरूर है। फिर वापस चलिए आगाज पे, इन الذين فرقوا دينهم, जिन्होंने तफरका किया अपने दीन में, कानू शिया, तो शिया थे। एक अजीब बात यह है कि तर्जमा कुरान किसी जबान का शिया और शिया में फर्क क्या है, शिया और शिया, शीन मकसूर है, ये फिर मुतहर्रिक है, मफ्तू है, शिया, शिया जमा है, वो लोग जिन्होंने दीन में तफरका किया और गुरोह गुरोह हो गए, शिया और गुरोह गुरोह हो गए, और खुश है कि हमारे पास ये कानून है, वो खुश है कि हमारे पास ये कानून है, वो खुश है कि हम ये सोच रहे हैं। इरशाद हुआ कि ये गुरोह बंदी हो गई, ये गुरोह बंदी हो गई। तो अब दीन का नाम लेकर और रस्मों तरीकों आदतें बुजुर्गों पर चलते हुए ये आयत हमको पढ़कर सुनाई गई, जिसके मुताल्लिक सबसे पहले यह जुमला है कि तर्जमा गलत। दूसरी चीज ये कि अगर इसरार है इस बात कि जिन लोगों ने दीन में तफरका किया वो शिया थे, तो उस पर हम जिद भी नहीं करेंगे, इसलिए कि हर शख्स अपने मुनासिब हाल तर्जमा करता है, अपने मुनासिब हाल तर्जमा करता है, तो दुरुस्त है, दुरुस्त है,
मगर बहस जब शुरू हो गई तो एक बात अल्लाह के लिए तस्लीम करते चलो कि जब आयत आई होगी तो वो होगा, वो फिरका होगा। दरमियानी हर्फ को लेके सिंबल बनाया, दरमियानी हर्फ को लेके निशान बनाया और कहा जब कभी कामिल होंगे तो चादर तथीर में यही रहेंगे, मुबाहले में यही रहेंगे, कुर्बा की मंजिल पर यही रहेंगे और इनको तुम हर दौर में देखते जाओगे। ये वो होंगे जो मुहाफिज सुन्नत सीन होंगे। बड़ी अजीब मंजिल है। यासीन, कसम खाई कुरान की, इन्नका लमिनल मुरसलीन। पहले ये तय करके चलो क्या कुरान में है, अच्छाई के साथ तस्किरा है या बुराई के साथ तस्किरा है या इफ्तराक के साथ तस्किरा है या इख्तलाफ के साथ तस्किरा है, मगर दीन के ताल्लुक से है तस्किरा और कुरान में है। और जब कुरान नाजिल हो रहा था तो अगर आप कहते हैं कि फिरका है ये जिसने इफ्तराक किया, तो जमाने रसूल में दौरान वही में ये फिरका था। अब पता चला आपकी तारीख, आपकी तारीख दूसरों की निगाह में कि उस वक्त भी थे, कोई और रहे कि न रहे। यह फिरका था उस वक्त था। कुरान में तस्किरा है, सूरह रूम गवाह है कि यह फिरका था। मगर चूंकि गुफ्तगू यहां तक आ गई, अगर यह माना किए इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम वकानू शिया कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, तमाम गुरोह जितने गुरोह हैं हर एक अपने अपने तहसील शुदा अम्र पर फरहनाक है, खुश है। इसको इस मकाम पर रखिए, मैं तो एक बहुत ही कमजोर तालिब इल्म हूं। जरा सा अब मैं 30वें सूरे से जहमत दूंगा 37वें सूरे पर, और यह सूरा है सूरह साफ़। وَلَقَدْ نَادَانَا نُون فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نون نے ہم کو آواز دی، ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُون فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نون نے ہم کو آواز دی، ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ फौरन जवाब दिया, वो नज्जैनाहू वो अहलहू मिनल करबिल अजीम, हमने उसको और उसके अहल को अजीम मुसीबत से बचा लिया। किसके अहल को? नूह के। नज्जैनाहू वो अहलहू मिनल करबिल अजीम, हमने नूह को और उसके अहल को करब अजीम से बचा लिया। मगर मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, एक एक जुमले को इस मकाम पर गौर करते चले। अहल में कौन है, अहल में कौन है? इसलिए कि इसके बाद 66वां सूरा है सूरह तहरीम। वो ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इमराता नूह व इमराता लूत, हमने काफिरों के लिए दो औरतों की मिसाल दी है, एक नूह की बीवी एक लूत की बीवी। सूरह तहरीम, काउनता तहता
अब्दाइने मिन इबादेना साले हैं। ये दो औरतें हमारे दो बंदों के पास थीं जो साले थे। फखानताहुमा, दोनों ने खियानत की। कीलत कुलन्नार, कहा गया जाओ जहन्नम में। मादाखलीन, जहन्नम में जाने वालों के साथ जाओ। वल्ला युग्नियान हुमा मिन अल्लाह शया, अल्लाह ने दोनों की परवाह नहीं की, अल्लाह को परवाह नहीं है किसी की। वह नज्जैनाहू वह अहलहू मिन अल-कर्ब अल-अज़ीम, हमने उसको और उसके अहल को कर्ब अज़ीम से बचा लिया। बीबी नहीं है, मैं चाहता था कि अहल को आप समझ लें ताकि ये अहल कहीं और काम आ जाए। वह नज्जैनाहू वह अहलहू मिन अल-कर्ब अल-अज़ीम, हमने उसको उसके अहल को कर्ब अज़ीम से बचा लिया। कर्बे अजीम से बचाया। वह जालना जुर्रियत हुमुल बाकी, और हमने उसकी जुर्रियत को बाकी रखा। वह तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और उसको आखिर जमाने के लिए उठा रखा। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, हमारा सलाम हो नूह पर, आलमीन में सलाम हो, जिस आलम में नूह रहे। सलाम अला नूहिन फिल आलमीन, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकों का बदला देते हैं। इन्नहू मिन इबादिनल मोमिनीन, वो हमारे मोमिन बंदों में से था। वह इन्न मिन शियातही इब्राहीम, तस्करा हुआ सूरह साफ़ात। और जिस आयत पे हम आए, वइन्ना मिन शियातिही लइब्राहीम, अब तर्जमा किया अंग्रेज कमेंटेटर्स ने, एंड ऑफ हिज पार्टी वाज इब्राहीम, नूह की पार्टी से था, नूह की जमात से था इब्राहीम। तो पता चला हमारी बहस के साथ कि फकत कुरान नाजिल होते हुए ही या नाजिल होने के वक्त ही इसका वजूद नहीं था, बल्कि कुरान से 5000 बरस पहले भी ये लफ्ज आया, मगर इस शान से आया कि एक नबी उलुल आजम को इस नाम से याद किया गया। एक नबी उलुल आजम को इस नाम से याद किया गया, मगर यहां साफ तौर पे कहा शिया नहीं कहा, है ही नहीं, गलत हो जाता है, शियाते ही सही लफ्ज इस्तेमाल, उसके शियों में इब्राहिम, यहां गुरोह है नहीं। और एक मंजिल सूरह कसास, सूरह कसास, ताकि मसाइल सबके जहन में आ जाए और आप अपने आप को लोकेट कर सके कि कहां कहां है। आप तय कर सकें कि आप कहां कहां हैं। सूरह कसस 28वां सूरा, इन्ना फिरौन अला फिल अर्ज, फिरौन ने जमीन में किब्र किया, सरबलंदी की, गुरूर किया, और तस्करा करते हुए कि वो अपनी जमातों को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ भड़काता रहा, और उसकी कोशिश यह थी कि गुरोह बंदी हो जाए। ऐसे में हजरत मूसा बिन इमरान सुबह के वक्त, जबकि शहर गाफिल था, शहर में दाखिल हुआ। हजरत मूसा शहर में आए, देखा
प्राणियों को, यक्ततेलान एक दूसरे को कत्ल करने पर माइल है। वहां दो आदमी खड़े थे। अब कुरान कहता हाजा मिन शियाते ही, हाजा मिन अदुवे ही। एक था मूसा का शिया, एक था मूसा का दुश्मन। फस्तगासहू, बस इस्तगासा किया उसने। कौन? जो मूसा का शिया था, अला अदुवेही, शियातहु अला अदुवेही, उसके शिया ने उसके दुश्मन के लिए इस्तगासा किया, मूसा को जला लाया। फवकजहू, मूसा ने एक मुक्का मारा, वो कजा, वो मर गया, वो मर गया। इसके बाद का टुकड़ा भी मैं पढ़ूंगा, आप परेशान न हो। काला हाजा मिन अमली शैतान, मूसा ने कहा यह तो शैतानी अमल था। मैं उस मंजिल पर हूं कि मूसा आए, सूरह कसास 28वां सूरह, मूसा आए शहर में, उस वक्त आए सुबह का वक्त था, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, हाजा मिन शियाते ही, वो हाजा मिन अदुबे ही, यह मूसा का शिया था, यह मूसा का दुश्मन था। فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي, उसने इस्तगासा किया जो शिया था, अलादू भी दुश्मन पर इस्तगासा किया, दोस्त ने दोस्त से, पार्टी के आदमी ने पार्टी के लीडर से इस्तगासा किया, उसको जला लाया। फवकजा, मूसा ने एक मुक्का मारा, फकजा, और वो मर गया। मूसा नबी उलुल अज़्म है, मूसा नबी उलुल अज़्म। अब इसके बाद हाजा मिन अमली शैतान, अगर उस लड़ाई को आप कहते हैं तो लड़ाई को कहिए, और अगर मूसा के अमल को कहते हैं तो जाहिर है नबी उलुल अज़्म के मुताल्लिक और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। नबी उलुल अज़्म के मुताल्लिक जो साहिब शरीयत गर्रा है और क्या कहा जा सकता है। अच्छा है किसी तावील उल कुरान की किताब पे नजर हो, वो हमारे दायरे फिक्र से बाहर है कि मूसा ने किसके लिए कहा। मगर मेरी बहस जिस मकाम पे, वो ये कि दौरे इब्राहिम में भी शिया है, दौरे मूसा में भी है, दौरे मोहम्मद में भी है, और यहां ये कहा गया कि आले बुवाह के जमाने में 260 में शिया पैदा हुए, 260 हिजरी में। अब गुफ्तगु को फिर वापस लिए जाते हैं, और यह गुफ्तगु हम है, और वो ये है कि गुरोह के माना में जब कभी यह लफ्ज इस्तेमाल होगा तो लीडर के साथ जाए, ये शिया नू है, ये शिया इब्राहिम है, ये शिया मूसा है, बिल्कुल उसी तरह अगर ये शिया मूसा है तो कोई शिया फिरौन भी है, अगर कोई शिया इब्राहिम भी है तो कोई शिया नमरूद भी है, आप समझ रहे, और अगर कोई शिया हुसैन है तो कोई शिया यजीद भी है। यह गुरोह है, उसका गुरोह इस माना में आया, उसका गुरोह। तो कुरान मजीद ने इसी तरह से इस लफ्ज को इस्तेमाल किया, इसी तरह से इस्तेमाल किया, अल्लज़ीन फर्रकू दीनहुम वकानू शिया, ये गुरोह गुरोह हो गए, गुरोह गुरोह हो गए। तो अगर लीडरशिप के साथ गुरोह का ऐलान होता है तो कूफे की जमीन में, जबकि इब्ने ज़ियाद आ चुका है अपने लश्कर को लेकर, ये कैसे कहा गया कि सब के सब कूफे में शिया थे। देखिए ये अहम तरीन मसाइल है, सब के सब शिया थे, यकीनन होंगे सब शिया, मगर कुछ शिया इब्ने ज़ियाद होंगे, कुछ शिया मुस्लिम होंगे, शिया मुस्लिम जैसे हानी,
शिया इब्ने ज़ियाद पूरा शहर जिसने मुस्लिम को घेर लिया। तो अब ये एक रकीक सी गुफ्तगू के शियों ने बुलाया, शियों ने कत्ल किया। क्या ये गुफ्तगू अब भी इसी तरह जहन में बाकी रहेगी? जरा सा अब कूफे पर नजर कीजिए, कूफे पर नजर कीजिए। कूफा गवर्नरी है, बड़ा आबाद मकाम है, 50-60 हजार की तो फौज आ चुकी है। उसमें यकीनन शिया अली हैं, मगर अली की जिद पर जो कियादत है उसके भी शिया हैं, उसके भी शिया मौजूद हैं। सुलेमान सुरद खुदाई कैद खाने में है, मुख्तारिब ने अबू उबैदा सकफी कैद खाने में है। जिन जिन ने या जिन्होंने हुसैन को खतूत लिखे थे, जो वाकई शिया हुसैन थे, वो सब कैद में थे। गुफ्तगू समझ में आ रही है? वो सब कैद में थे। और वो मुसलमान जो अपने आप को यजीद की पार्टी में समझ रहे थे, वो आजाद थे। लफ्ज एक था, लफ्ज एक था, ये इनका है या उनका है? यही गुफ्तगू सिफीन में थी, यही गुफ्तगू सिफीन में थी। ये अली का शिया है, ये अली के मुखालिफ का शिया है। तो ये तसव्वुर करना कि शियों ने बुलाया, शियों ने कत्ल किया, शिया रोए, ये फकत इतनी ही बात पर कि कुरान को पढ़ते पढ़ते जब यह सोचने की कैफियत हुई कि भाई यह लफ्ज आ गया, बस ये लफ्ज ले लो, ये लफ्ज ले लो, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि लफ्ज शिया अगर इब्राहिम के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर लफ्ज शिया मूसा के दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ है, और अगर लफ्ज शिया कुफर के गुरोह के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें गुंजाइश है, उसमें गुंजाइश है। वो खैर की तरफ भी जाए, वो शर की तरफ भी जाए, गुरोह की हैसियत से वो खैर का गुरोह भी बने, शर का गुरोह भी बने। कितने अल्फाज है कलाम मजीद के जिनको इन दोनों तरीकों पर इस्तेमाल किया गया। क्या ख्याल है इमामत के मुताल्लिक? क्या ख्याल है इमामत के मुताल्लिक? इब्राहिम इन्नी जाहिलुन लिन्नास इमामा, मैंने तुझको इंसानियत के लिए इमाम बनाया। मगर इमाम दोनों जगह इस्तेमाल हुआ, अइम्मतन यहदूना इलल जन्ना, वो अइम्मतन यदऊना इलल नार। कुछ इमाम है जो जहन्नम की तरफ दावत दे रहे हैं, कुछ इमाम है जो जन्नत की तरफ लिए जा रहे हैं। बताइए लफ्ज इमाम दो जगह आया? फकत यही नहीं, इरशाद हुआ कितना मुबारक लफ्ज है, कितना अजीमुल मर्तबत लफ्ज है, औलिया, औलिया। अलो इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दोस्ताने खुदा न वो खौफ खाते हैं न वो महजून होते हैं। देखा आपने औलिया, अल्लाह, अल्लाह के औलिया। और इधर सूरह निसा, ये चौथा सूरह है कुरान का, अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह की राह में लड़ते हैं। वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीलित तागूत, और वो लोग जो काफिर हो गए तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। फकातिलू औलियाए शैतान, अब लड़ो शैतान के औलिया से। फकातिलू औलिया शैतान, शैतान के औलिया से लड़ो मुसलमानों। सूरह निसा की आयत है। तो औलिया से निस्बत अपने को भी दी, औलिया की निस्बत अपने से भी रखी, औलिया को निस्बत शैतान से भी दी,
अब जिसको जो पसंद आए, अब जिसको जो पसंद आए वो सथ दहनी है। शिया को निस्बत इब्राहिम से भी दी, शिया को निस्बत दी गुरोह बनाने वालों की तरफ भी उनका इशारा किया। जो आप समझे जिस तरह से समझे, मगर दोनों में फर्क है वही कि वहां गुरोह गुरोह जमा के से है। तो आपने देखा एक लफ्ज कुरान में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तलिफ तरीकों से। और कितने अल्फाज ऐसे हैं कुरान में के जो एक ही लफ्ज मगर उसकी इजाफतें बदल जाती हैं। मैंने औलिया का तस्करा किया था, हमेशा भाई औलिया का काम है, औलिया का काम है। कभी आपने पूछा किसके औलिया? आप कभी नहीं पूछते, इसलिए कि माहूद ज़हनी यह है कि ये दोस्ताने खुदा होंगे। मगर कुरान तो कुछ और कहता है, कहता है इन्ना शयातीना लयूहूना इला औलियाहिम, शैतान अपने औलिया की तरफ वही करता है। इन्ना शयातीना लयूहूना इला औलियाहिम, तो एक तरफ का इन्ना आओ है ना, हम वही करते हैं। परवरदिगार क्या तेरे अलावा कोई और भी वही कर सकता है? अभी गुफ्तगु वली पे थी, अब गुफ्तगु वही पे होगी। इन्ना ओहैना इला उम्मे मूसा, हमने वही की मादरे मूसा की तरफ। इन्ना ओहैना इला नहल, हमने वही की शहद की मक्खी की तरफ। इन्ना शयातीना लयूहूना इला औलियाहिम, शैतान वही करते हैं अपने दोस्तों की तरफ। तो क्या वही की इजाफत बदल जाने से मैं वही इलाही की तौहीन समझूं? अगर मसाइल जहन में आए तो आपने देखा कि किसी आयत को देखकर अपनी मर्जी को दखल देना, मैं फिर अपनी किसी आयत को पढ़कर अपनी मर्जी को दखल देना और फिर हदीस रसूल की मौजूदगी में जिसको सारे उलमाए इस्लाम ने लिखा, या अली, सरकार रिसालत ने फरमाया या अली अंता व शीअतो का हुमुल फायजू। तू और तेरे दोस्त फायज होने वाले। बहुत अजीब गरीब गुफ्तगू है, बहुत अजीब गरीब गुफ्तगू। अपोलोजी नहीं, अपोलोजी नहीं, यानी लफ्ज शिया मेरे लिए, आपके लिए, इस कौम के लिए आप फकत मखसूस नहीं है। आप समझ रहे, मेरे लिए, आपके लिए, इस कौम के लिए मखसूस नहीं है, मखसूस बनाया गया इसलिए कि लफ्ज पसंद नहीं था। वरना हर अली का दोस्त वो किसी फिका का पाबंद हो, हर अली का दोस्त वो हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, हर अली का दोस्त वो किसी फिका का पाबंद हो, अगर दोस्त है तो शिया अली है। अगर दोस्त है तो शिया अली, और इसी को बार बार इमाम शाफी अलैहि रहमा ने बयान किया है। अब वक्त नहीं है और मैंने जहमत दी सिलसिले कलाम को इस मकाम पर रुकना चाहिए, बशर्ते के हाफिजा आपका साथ दे और कही हुई चीजों को आप महफूज कर। कूफा, कूफा गिरफ्तारियों का आम सिलसिला ज़िलहिज की नवी तक सन 60 हिजरी, तमाम शिया ने अली जिन्होंने हुसैन को खत लिख के तलब किया था वो असीर कर लिए गए, कैद कर लिए गए। अब जो पूरी आबादी बची वो अन्नासु अला दीने मुलूक है, दीने मुलूक पर इंसानियत होती है। शादियाने बज रहे थे, खुशियों का इजहार हो रहा था, ईद का दिन था, मुस्लिम शहीद हो रहे थे,
दूसरे से लश्कर पे लश्कर अब करबला की तरफ चला। मैंने परसों की तकरीर में यह कहा था कि सब कलेमों को गए थे, वो कौन थे क्या थे वो बाद में आप मालूम करेंगे, मगर शहजादी ने तो यह पूछा था सबको देख के, अमाफी कुम मुस्लिमू, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं है। यह लश्कर चल, बहुत गौर से सुनिए, यह 9 ज़िलहिज, 11 दिन गुजरे, ज़िलहिज की 20 तारीख आई। ज़िलहिज की 20 तारीख को एक दूसरी कुर्बानी, मगर तय किया था हुसैन ने और यह जिम्मेदारी मुस्लिम को दे दी थी कि मुस्लिम अगर तुम चाहो तो फिर तुम फैसला करना कि आले मोहम्मद की तरफ से पहली कुर्बानी कैसे दी जाए। अल्लाह रे कुव्वते कजाए मुस्लिम, अल्लाह रे कुव्वते फैसला मुस्लिम की, तय किया कि मैं रहूंगा मकाम कुर्बानी, यह पहली कुर्बानी। एक अजीब बात यह है कि मेरे मौला के दोस्तों में एक नाम बड़ा अहम है और वो नाम है मीसम तम्मार का, बड़ा अहम नाम मीसम तम्मार को अमीरुल मोमिनीन ने खरीदा, खरीद के आजाद किया। अजमी थे, ईरान से रब था, अमीरुल मोमिनीन से इल्म तावील कुरान को हासिल किया। कभी कभी कहते थे इब्ने अब्बास, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैसम और इब्ने अब्बास, कहते थे इब्ने अब्बास कुछ पूछना हो तो पूछ लो। रावी कहता है कि एक दिन इब्ने अब्बास ने कहा तुमको मेरे मौला ने तावील कुरान की बतलाई है, कहा हाँ लिखो। इब्ने अब्बास ने लिखना शुरू किया, मैं सब बोलते चले इस इल्म के साथ, इल्म मनाया वो इल्म बलाया भी, अमीरुल मोमिनीन ने इनके हवाले किया। हाथ में हाथ मैसम का थामे हुए कूफे के बाहर चले गए। कब मैसम अगर किसी दिन ऐसा वक्त आए कि तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाए तो तुम क्या करोगे। का मौला अगर आपकी मोहब्बत में यह है तो मेरे लिए तो ईद का दिन है। कहा मैं सब हां मेरी मोहब्बत। का मौला क्या होगा। का उमरू बिन हरीस के घर के सामने दरख्त कुर्मा पर तुमको सूली दी जाएगी, तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, तुम्हारे पांव काटे जाएंगे और तुम मेरे फजाइल बयान करते जाओगे, मजबूर हो के वो जबान भी काट देंगे। मैं सब पसंद है ये मौत। मैं सब पसंद है ये मौत। कदमों पे झुक गए अली को, बोसा दिया, कहा मौला इसी दिन की उम्मीद में तो जी रहा हूं। थोड़ी सी गुफ्तगू रह जाती है, मैं नहीं चाहता कि तशनगी रहे। रजब के पहले हफ्ते में मैसम उम्रे से फारिग होके मदीना आए। हुसैन 28 को निकलने वाले हैं, मैसम पहले हफ्ते में आए, उम्मे सलेमा की खिदमत में आए, सलाम किया। उम्मे सलेमा ने कहा कनी से इत्र लाओ, मैसम की दाढ़ी को इत्र लगाओ। तो मैसम ने कहा बीबी ये दाढ़ी तो खून से खिजाब होने वाली है। तो उम्मे सलेमा ने कहा मैसम इसीलिए तो चाहती हूं
दाढ़ी को मुअत्तर रखा जाए। सलाम किया और कहा, हुसैन कहां, फरजंद रसूल कहां? उम्मे सलेमा ने कहा, मैसम वो आज ही शहर से दूर एक बाग में गए हैं और आज वहीं क़याम रहेगा, तुम रुक जाओ, वो आ जाएंगे। कहा, नहीं बीबी, आप सिर्फ इतना कह दें, मैसम ने सलाम कहा है और ये कहा है कि आपके जाने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। ये गुफ्तगू देखिए, आप सिर्फ इतना कह दें कि आपके जाने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। हुसैन इब्ने अली शाम को आए, दादी को सलाम किया। उम्मे सलेमा ने कहा, मैं सब आए थे। कहा, क्या कहा? कहा, ये कहा कि मैं जल्दी जा रहा हूं। कहा, हां हां नानी, ऐसा ही है, उनको जल्दी जाना चाहिए, उनको मुझसे पहले पहुंचना चाहिए। कूफा पहुंचे, कूफा पहुंचे, मुख्तार कैद, सुलेमान इब्ने सुरद खुजाई कैद, पूरे इनके घर वाले कैद, जितने शिया थे अली के वो सब कैद। ऐसे में इत्तला मिली कि मैसम आए। इब्ने जियाद ने कहा, हाजिर करो। इब्ने जियाद ने कहा, हाजिर करो। मैसम पहुंचे, सलाम नहीं किया, सलाम नहीं किया। बिगड़ के इब्ने जियाद ने कहा, आईना रब्बो, तेरा रब कहां है? आईना रब्बो, तेरा रब कहां है? अब देखिए, मैं मैसम पे गुफ्तगू कर रहा हूं, मासूम पे नहीं, मैसम पे गुफ्तगू कर रहा हूं। अब इस गुफ्तगू को समझाने के लिए मुझे आयतें पढ़ने की जरूरत है। मालूम है तेरे रब ने आज के साथ क्या किया? उस बाग के साथ क्या हुआ? अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, कि इस तरह के शहर नहीं बनाए गए थे, वो सब हमने तबाह कर डाले। वो समूद अल्लज़ीन जाबु सकरा बिलवाद, और वो समूद की कौम जो पहाड़ों को काट काट के घर बनाती थी, हमने सारे तमद्दुनों को तबाह कर दिया। वो फिरौन अज़िल औताद अल्लज़ीन तगौ फिल बिलाद वक्सरू फीहल फसाद फसब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, फिरौन को हमने तबाह कर दिया, फिरौन के लश्करों को तबाह कर दिया, फिरौन के तमद्दुन को तबाह कर दिया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब कमीनगाह में है, तेरा रब कमीनगाह में है, दुश्मनों की ताक में है। न समझना कि मोहलत दिए जा रहा है, देख रहा है। इब्ने जियाद ने कहा, मैसम आईना रब का वबिल मिरसाद, आईना रब, उसने कहा बिल मिरसाद, मेरा रब कमीनगाह में है, देख रहा है। क्या मैसम कैसे कत्ल करूं, कैसे कत्ल करूं? का तेरी क्या मजाल है कि तू कोई और राह ढूंढे, राह तो वही होगी जो मेरे मौला ने कहा है। कहा, तुम्हारे मौला ने इत्तला दे? कहा, कैसे? का बस यही, हाथ कटेंगे, पांव कटेंगे, जबान कटेगी, सूली बलाश रहेगी। का हम तुम्हारे मौला को झूठा कर दिखाएंगे, हम हाथ काटेंगे, पांव काटेंगे, छोड़ देंगे तुमको मरने के। का यही सही। उम्र बिन हरीस बयान करता है कि मेरे घर के सामने कुरमा का दरख्त था, बहुत दिनों से मैसम उस दरख्त को अपने हाथ से पानी डालते थे और वहां दो रकात नमाज पढ़ते थे। मैंने एक दिन पूछा कि मैसम ये क्या करते हो? तो कहने लगे, उमरू बिन हरीस, मैं तुम्हारे हमसाए में आ रहा हूं। तो उनका, उम्मे हकीम का घर खरीद रहे हो, इब्ने मसूद का घर खरीद रहे हो, मेरे हमसाए में आ रहे हो? कहा, उमर बिन हरीस, तुमको मालूम हो जाएगा, अब जो आए मैसम तो उमर बिन हरीस हैरान हो गया। घर के सामने खुरमा का दरख्त और इनको
लटका दिया गया दार पर, हाथ काट दिए गए, पांव काट दिए। पुकार के कहा उमरू बिन हरीस, कोई आदमी है घर में? का क्या चाहते हो? का जल्दी जल्दी से इस दरख्त के नीचे तमाम पानी डाल के या कचरे को साफ कर दो। उसने कनीज को आवाज दी, कनीज ने पानी छिड़क के पूरी जगह को साफ किया। का उमरू बिन हरीस कोई बखूर है? कोई अच्छी खुशबू है जो धुएं के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको जलाओ यहां, बखूर बनाओ। कहां का बखूर जलाओ? का क्या बात है? का अली के फजाइल सुनाऊंगा। अली के फजाइल सुनाऊंगा। हाथ कट गए, पांव कट गए, मगर जगह साफ करो। बकूर चाहिए, धुआं चाहिए, ऊदो अंबर का। उमरू बिन हरीस कहता है कि मैं दौड़ के ऊदो अंबर लाया और एक मरतबा खुशबू फैली और मैसम पुकार के कहने लगे, सुनो सुनो, आज मुझसे सुनो, अली के फजाइल सुनो। अव्वलीन व आखरीन में तुमने किसी से नहीं सुना होगा, मरने वाले से सुनो। हाथ नहीं है और सुना रहा हूं, पांव नहीं है और सुना रहा हूं। दौड़ के किसी ने जाके इब्ने ज़ियाद से कहा, अरे उसकी तो जबान खैची की तरह चल रही है, मुसलसल अली के फजाइल बयान कर रहा है। कहा जाओ जाओ, जबान काट दो। लोग आए, मैसम हुक्म है जबान काटने का। कहा क्यों? कहता था मेरा मौला झूठा है। कहता था मेरा मौला झूठा है। ले ये कहकर जबान बाहर निकाल दी। उसने जबान को कता किया। मैसम दार पे तड़पने लगे। कुछ देर बाद एक इशारा किया। उस इशारे को या मैं समझाने या मैसम का मतलूब जाने, या मैं समझाने या मैसम का ममदूह जाने, उस जबाने बेजबानी से क्या आवाज दी होगी, किसको पुकारा होगा। बहरहाल दुनिया तमाशाई थी और मैसम की रूह परवाज कर गई। शाम हो गई, इब्ने ज़ियाद को इत्तला दी गई कि मैसम खजा कर। अच्छा, मैं चाहता हूं कि निगरानी की जाए, निगरानी की जाए, इबरत के लिए रहे लाश दरख्त पर। निसफ शब का वक्त आया, कूफे के बाजार में खजूर बेचने वाले थे, वो कुरमा फरोश एक जगह जमा हुए और कहा, हाय मैसम किसी दीन का हो, किसी मजहब का हो, वो किसी का शिया हो, हमारी गैरत को क्या हुआ कि हमारी तिजारत का एक आदमी इस तरह से उसकी लाश रहे दरख्त पे, बड़ी बेइज्जती की बात है। खुरमा फरोशों ने कहा, चलो चलो जाके लाश उतारेंगे। चुनाचे आए निसफ शब के वक्त, हुर्रासों निगहबान पे गफलत थी, मैसम की लाश को उतारा, एक गोशे में गए, नमाज पढ़ी और शहीद को उन्हीं कपड़ों में दफन किया और हाथों को उठा के आसमान की तरफ का, परवरदिगार तूने हमारी इज्जत रख ली, तूने हमारी इज्जत रख ली कि हम मैसम की लाश को दफन कर सके। देखा आपने, जिसका कोई वारिस होता है। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदावंदा हमको कामिलुल ईमान, हमारे हवाइज दीनी और दुनियावी बरलाओ, मिल्लत को मुत्तहिद कर, ममलकत को मुस्तहकम फरमाओ, तौजील फरमाओ।